मैं ज्योति पाराशर आपका स्वागत करती हूँ सीएस स्टडी पॉइंट में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 11th और 12th में जो नेटवर्किंग के पोर्शन से जो मैंने आपको काम कराया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसके जो फर्स्ट चैप्टर से नेटवर्क कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सीबीएसई बोर्ड में 2009 से लेकर 2019 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो हम वहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं आज। और आई होप सो आपको जो डाटा कराया जा रहा है, जो कंटेंट कराया जा रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी जैसे वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम है या अदर रिलेवेंट कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो और लिख सकते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम है कि मैं आगे उस पर उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर आपको ये लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ग्रेट लाइक या कोई थंब बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आगे बढ़ती रहूँ, अपने काम को कंटिन्यू करती रहूँ। ठीक है बच्चों। और बच्चे, जिस सिचुएशन में हम फेस कर रहे हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में, अब तो थोड़ा सा ओपन हो गया है कुछ एरिया के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखें, बाहर कम जाएं जितना हो, और आते ही अपने हैंड वॉश करें और अपना सैनिटाइजर करें, अपने कपड़ों को गुनगुने पानी में डालें। तो आपको ये सेफ्टी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सेफ हो तो हम सेफ हैं, आपके आपके साथ ही हम हैं, अदरवाइज हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आप रहोगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स नहीं होंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वही तो होने चाहिए ना। तो अभी हम आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कंटेंट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है, हम अभी पहले तो ये पता होना चाहिए आपको जो आइडेंटिफाई द डोमेन नेम एंड यू आर एल फ्रॉम द फोलन। अभी आपको मैंने बताया था यू आर एल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे पेपर में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है लोकेटर? तो ये है डोमेन नेम, आपसे पूछ लिया जाता है। अब बच्चे यहाँ पे देखो, ये जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए किसी चीज की, क्या है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो वो क्या कहलाता है? यू आर एल। ठीक है, अब मैं ये कह दूं इनकम डॉट इन, ये क्या है हमारा डोमेन नेम, डोमेन नेम। अब आपको अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को डिफाइन कर देती हूँ। जैसे आपको किसी को पोस्ट करना है तो मैं टू लिखती हूँ, टू के बाद एक एड्रेस लिखती हूँ कंप्लीट, कि जैसे लिख दिया आपको वार्ड नंबर 7, आप ये लिखते हो बस स्टैंड और अपोजिट आपका क्या है रेलवे स्टेशन। ठीक है बच्चे, ये कंप्लीट एड्रेस है, या आप यहाँ पे डॉटर ऑफ या सन ऑफ जो भी आप लिखते हो, राम लिखा है और क्या है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जो एड्रेस कंप्लीट एड्रेस होगे वो क्या है आपका यू आर एल। ठीक है, क्या है यू आर एल। अब यहाँ पे डोमेन नेम की बात की जाए तो डोमेन नेम क्या होगा, सिर्फ खाली क्या है डोमेन नेम। डोमेन नेम में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि राम डॉटर ऑफ नरेश कुमार। ठीक है, ये क्या है आपका जस्ट लाइक डोमेन नेम। तो इसी तरह यहाँ पे जो इनकम डॉट इन है वो क्या बताता है, डोमेन नेम को बताता है। ठीक है, इन माने यहाँ पे इंडिया की बात हो रखी है, जहाँ पे आप इस सिंबल को डिफाइन करोगे, जैसे कॉम होता है तो कमर्शियल हो गया, EDU हो गया तो एजुकेशनल हो गया है आपका, .gov की करते हैं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ये आपकी शॉर्ट एब्रिवेशन है जिनको आपको मैं कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द वेब होस्टिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है वेब होस्टिंग के बारे में इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वेब होस्टिंग। अब क्या है यहाँ पे, क्या है वेब होस्टिंग, के वेबसाइट अवेलेबल टू बी द व्यूड बाय अदर वन द इंटरनेट। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो क्या है
गूगल में, गूगल बार में आपने लिखा, यहाँ पे क्या है गूगल बार में मतलब सर्चिंग बार में यहाँ पे लिखा कि आपको क्या चाहिए, दिल की बातें दिल तक, ठीक है, ये आपको टाइटल सर्च करना है, इससे रिलेवेंट डाटा। तो आपके पास नंबर ऑफ वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, आप कहीं पे भी हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर आप इस कंटेंट के थ्रू आप किसी भी कंट्री में जाके इसको सर्च करते हो तो नंबर ऑफ वेबसाइट खुलेगी। तो क्या है, आप थ्रू द इंटरनेट क्या कर रहे हो, व्यूड कर पा रहे हो, अवेलेबल कर पा रहे हो या एसेस कर पा रहे हो वेबसाइट को और उसके कंटेंट को, ये बात आई समझ में आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है कि टू करेक्टरिस्टिक ऑफ वाईफाई, ठीक है, आपके पास क्या पूछा है, आपको दो करेक्टरिस्टिक बतानी है वाईफाई की, वाईफाई की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ बच्चों कि वाईफाई है, आपको पता है कि जो वाईफाई लगा आपकी किसी एक बिल्डिंग के अंदर हो गया, जैसे ये लगा ग्राउंड फ्लोर हो गया, वन फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, आप किस एक बिल्डिंग में लगाते हो ना वो चीज़, ये क्या है आपके करेक्टरिस्टिक है किसी वाईफाई की। तो यहाँ पे आपने एक बिल्डिंग के अंदर लगाया तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, शॉर्ट रेंज हो गई, क्या होगी, शॉर्ट रेंज होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग ये क्या है आपका, वायरलेस है, आपको कहीं वायर से कनेक्ट नहीं करना पड़ता ना, तो क्या है वायरलेस, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शॉर्ट रेंज है और वायरलेस कनेक्शन है, देता है ये वायरलेस। अब कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू क्रिएटिंग ए कनेक्शन विद ए रिमोट मशीन, किससे, रिमोट मशीन से आपका कनेक्शन करता है, क्या करता है, क्रिएटिंग ए कॉमन एक कनेक्शन विद रिमोट मशीन, ठीक है। अब रिमोट मशीन में बच्चे क्या है, आपका जो टेलनेट होता है ना, टेलनेट एक ऐसी है चीज है, ऐसा आपके पास एक फैसिलिटी है यहाँ पे, ये वो चीज है कि आपको यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा ऑर्डर इंटरनेट यूटिलिटी है, क्या है ऑर्डर इंटरनेट यूटिलिटी है, और क्या करता है, लॉग इन करता है अपने रिमोट मशीन से कंप्यूटर सिस्टम को, और ये क्या करता है टर्मिनल से एम्यूलेशन करता है, एम्यूलेशन मतलब अनुकूल करता है टर्मिनल से कि मुझे अनुकूल करने वाला मतलब आपको बात करने वाला। अब मैंने कहा कि मेरी मम्मी माँ जहाँ से गई मैं भी उसी रास्ते से जाऊँगा, तो आप क्या कर रहे हो, उनका अनुसरण कर रहे हो ना, तो हमारा जो टैलेंट है वो टर्मिनल से अनुमिलेशन करता है, उसका अनुसरण करता है कि पहले कोई डाटा अगर गया हुआ है तो वो उसी तरह उसकी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा रिमोट मशीन से, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू क्रिएटिंग ए कनेक्शन टू ए रिमोट मशीन गिवन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स। अब बच्चे आप पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि ऑप्टिकल फाइबर मैंने आपको क्या बताया था और इसके क्या, अब बेनिफिट तो मैं बताऊंगी, मीन्स एडवांटेजेस मैं बताऊंगी, एडवांटेजेस आपके पास क्या करके आ सकती हैं, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसके कॉन्स क्या होते हैं, इनको कॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस को प्रॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स, ठीक है, आपके कॉन्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट थिंग इस बच्चे की आपसे ये पूछा है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, ये कैपेबल होता है एक्सट्रीमली हाई स्पीड के लिए, किसके लिए बच्चों, आपसे यहाँ से मैं रन कर देती हूँ, किसके लिए होता है बच्चों कि एक्सट्रीमली फर्स्ट क्या होता है हाई स्पीड, क्या होता है हाई स्पीड के लिए। नेक्स्ट थिंग जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती है वो किस लिए होती है, वेब टू क्रिएटिंग ए कॉमन कनेक्शन टू ए रिमोट मशीन से जब करते हैं तो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर क्या करती हैं, हाई स्पीड में करने जो सिग्नल्स होते हैं उनको हाई स्पीड में ट्रांसमिट करने का काम करती है। अब नेक्स्ट होता है जो क्या होता है जो इलेक्ट्रिकली नो no,
प्रॉब्लम आती है ना कि जैसे आपकी नॉइजनेस हो गई, जो साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे क्या कर देती है, ये रिड्यूस हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट चीज आती है कि ये लो अटेंशन होती है, बिंग होती है, क्या होती है, लो अटेंडिंग होती है, कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम जैसे होती है ना कि जो कई बार हमारी वॉल्यूम स्किप हो जाती है और हमारी नेम छूट जाती है, फिर हमें डबल डबल हमारी आवाज़ें कई बार आपको सुनाई देती है, तो वहाँ पे क्या है, इसकी लो टेंडेंसी होती है कि वहाँ पे हमारा जो डाटा है बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में जाता है और हम उसको एक्यूरेट फॉर्म में उसको भेज पाते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट कर पाते हैं सिग्नल्स के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू। वहीं आपका यहाँ पे क्वेश्चन की एक चीज़ और बता दूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ था कि ट्रांसमिशन मीडिया को गाइडेड और अनगाइडेड भी बोला जाता है। क्या कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रांसमिशन मीडिया को अदर नेम से किससे बोला जाता है, उसके अंदर इंक्लूड होते हैं गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड क्या होते हैं, आपके वायर्ड होते हैं, और अनगाइडेड क्या होते हैं, वायरलेस कनेक्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब बच्चे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स के बारे में, कि इन दोनों टर्म्स को हम क्या लिखते हैं, एक्सप्लेन करके बताओ। आपके जो कंप्यूटर के फॉर्म में है, क्या है ये, कि आपसे पूछा जाता है कि GSMP फुल फॉर्म क्या है, GSMP फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल सिस्टम, क्या है, ग्लोबल सिस्टम आपका ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, क्या है GSMP फुल फॉर्म, मोबाइल सिस्टम ऑफ ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट आता है GPRS, GPRS को आप लिख सकते हो जनरल जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आपको ये बात समझ में आई, GPRS की फुल फॉर्म क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेट एंड मैसेज स्विचिंग। अब पहले तो ये समझ लो कि स्विचिंग क्या काम करता है। आपको मैंने बताया है कि स्विचिंग क्या करता है, सर्किट क्या करता है, स्विचिंग क्या करता है। स्विचिंग क्या करता है, आपके पास मल्टीपल पाथ ही होते हैं, इसका कोई यूनिक क्या होता है नहीं होता, यूनिक एड्रेस नहीं होता। नो लिख लो, नो एनी यूनिक एड्रेस। ठीक है, इसके पास कोई यूनिक एड्रेस नहीं होता, पर हमारे जो सर्किट्स होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, आपका यूनिक एड्रेस होता है, कि जहां पे आपके पास डाटा सेंड करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आते हैं आपके पास पैकेट और इसके मैसेज के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, पैकेट्स वर्सेस क्या है, मैसेज। अब क्या है पैकेट, क्या होते हैं बच्चों, पैकेट में हम डिस्कस करते हैं, जो पैकेट है उसके क्या होता है कि ये टाइट अपर लिमिट ब्लॉक साइज होता है, कि जो आपने अपर मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका टाइट होता है, पैकेट की जो रेंज होती है और उनका फिक्स साइज स्पेसिफाइड होता है। अब क्या होता है पैकेट, अब पैकेट में क्या है कि मैंने 8 बिट सेंड की है, यहाँ पे फिक्स साइज हो गया, क्या है, 8 बिट आप सेंड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 8 बिट लिख दी, उसके 8 बिट के अंदर उसमें एक हेडर भी होता है। ठीक है, मैसेज की कोई अपर लिमिट नहीं होती, क्या होती, नो अपर लिमिट, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, कि आप लाइन में 10, 12, 50 जो लाइन लिख सकते हो ना वो लिखते हो। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमें मैसेज, जैसे आपने फोन में टेक्स्ट मैसेज किया, आपके पास मैसेज आता है कि आपने एक मैसेज का कंटेंट कंप्लीट कर लिया, आप क्या कर रहे हो, सेकंड मैसेज का कंटेंट टाइप कर रहे हो, पर वो एक ही टाइम पे फ्रीक्वेंटली सेंड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है, ऑल द पैकेट्स आर स्टोर मेनली द स्विचिंग ऑफिस। क्या होता है कि जो इसके जो कंटेंट होंगे ना बच्चे, वो क्या होंगे, स्विचिंग के
अंदर स्टोर होंगे हमारे, कहाँ होंगे, स्विचेस के अंदर स्टोर हो जाएंगे जो भी है कंटेंट। और यहाँ पे क्या होते हैं, मैगी पैकेट स्टोर इन डिस्क इंक्रीज द परफॉरेंस, क्या करते हैं ये स्टोर हो जाते हैं, उसकी टाइम रिड्यूस हो जाता है आपका जो होता है कि ये इसी में स्टोर हो जाते हैं पैकेट के साथ, बट उसका क्या होता है टाइम रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट होता है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको एक बात बता दूं, क्लाउड एक ऐसा और वास्ट टॉपिक है कि आज हर कोई इंसान क्लाउड से जुड़ा है, क्योंकि कोई भी आप देख लो कि पहले क्या होता था कि कंप्यूटर की फॉर्म में आप वायर्ड से कनेक्शन करते थे, क्या करते थे वायर्ड से, घरों में आपके जो लैंडलाइन फोन होते हैं या आप उनसे नेट लेते हो उससे कनेक्ट करते हो, बट आप अपने फोन में भी अब वायरलेस फैसिलिटी को एक्सेस करते हो, तो वहाँ पे क्लाउड कहीं ना कहीं हमारा एक मेन जरिया है कि जो हमारे कंटेंट को, सोर्स को, जो डेडिकेटेड है, जो टाइम शेयरिंग है, उसको क्लाउड क्या करता है, उसको कंप्यूट करके वो कहीं ना कहीं उसको पहुंचाने का काम करता है जहाँ पे हम पहुंचाना चाहते हैं, डेस्टिनेशन तक। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब क्लाउड है तो मैं कहती हूँ यहाँ पे आप ये लिखो कि क्लाउड मैंने ऐसे बनाया, ये बनाया मैंने क्लाउड। ठीक है, ये क्या है आपका क्लाउड है। तो क्लाउड में किसी इंसान के पास ये फोन है, किसी के पास लैपटॉप है, ठीक है, किसी ने पूरी लैब चार्ज की हुई है, किसी के पास आप ये लगा लो टैब है। तो क्या है, हर इंसान यहाँ पे कोई एक बंदे ने एक्सेस किया, यहाँ पे उसका कोई रिलेटिव है उसने इंफॉर्मेशन सी की, यहाँ पे कोई अदर कंट्री में उसका रिलेटिव उसने इसको इंफॉर्मेशन दी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे क्लाउड कहीं ना कहीं स्टोर होता है, यूज किया जाता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं डायनेमिकली शेयर करते हैं, ना कि हमारे पास कोई एक ये नहीं होता कि आप एक सीक्वेंस में इंडेक्सिंग की फॉर्म में करते हो। इंडेक्सिंग की फॉर्म में करोगे तो वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, इंडेक्सिंग की फॉर्म में वही डाटा मैनेज किया जाएगा कि जहाँ पे आपकी लिस्टिंग होती है, जैसे आप बैंकिंग एरिया के अंदर जाओगे तो बैंकिंग में इंडेक्सिंग जो डाटाबेस में काम किया जाता है वो बेसिकली काम किया जाता है इंडेक्सिंग में। यहाँ पे हम डायनेमिकली यूज करते हैं कि कोई इंसान ने इमेज की, किसी ने टेक्स्ट किया, किसी ने वीडियो भेजी, तो हम वहाँ कहीं ना कहीं डायनेमिकली यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं लोड बैलेंस के साथ, उसका फेयरवॉल के साथ, आपके नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं उन चीज़ों को स्टोर कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं स्टोर कर पाते हैं, और जो हमारे डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशन होते हैं वेब से रिलेटेड, नेटवर्क बेस से रिलेटेड, वहाँ करते हैं हम क्या करते हैं सेल करते हैं, कि वो हमारे कंटेंट को समझ में क्या करते हैं कंटेंट को हम क्या करते हैं शेयर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके विच टाइप ऑफ नेटवर्क, आउट ऑफ लैन पैन, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ही इज फॉर्म्ड व्हेन यू कनेक्ट टू मोबाइल्स यूजिंग ब्लूटूथ टू ट्रांसफर ए वीडियो। कि आपने ये पूछा कि आप कब कनेक्ट होगे टू मोबाइल से यूजिंग ब्लूटूथ से, तब ट्रांसफर कर पाओगे वीडियो को, आपके पास क्या होना चाहिए इनमें से, समझ में आई आपसे बात। आपको ये टाइप ऑफ नेटवर्क दे दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कि आप कौन से नेटवर्क के थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपना वीडियो सेंड कर पाओगे। ठीक है, अब मोबाइल में तो आपको पता है क्या होती है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ क्या करती है शॉर्ट रेंज किसके अंदर आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू, किसके अंदर आता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क के थ्रू। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको ये कंटेंट इतना समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी इन टॉपिक समझ नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ सकते हो और मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी।